पोषण अभियान को लेकर मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जनपद फिरोजाबाद के कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी के नेतृत्व में पौष्टिक आहार को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पौष्टिक आहार गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाने के सख्त निर्देश दिए, जिसमें सभी विकास खंड अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही लॉकडाउन में जिन अधिकारियों के द्वारा सही पूर्वक कार्य नहीं किए गए उनके लिए कार्यवाही के निर्देश दिए। इसमें क्या क्या डिसीजन हुए हैं, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो एक जिला पोषण समिति की मीटिंग होती है, वो कई महीनों से कोविड के कारण नहीं हो रही थी, पर ये रियलाइज़ करते हुए कि बहुत सारे कुपोषित बच्चे हैं जो गांव में अभी हैं, जो NRC केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या उनको सही प्रकार से पुष्ट आहार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए एक बहुत सख्त बैठक जिला स्तर पर फिरोजाबाद में आज ली गई है, जिसमें सभी BDOs और MOIC और खंड शिक्षा अधिकारी और CDPO सभी लोग आए थे और जिनको सख्त प्रकार से ये निर्देश दिए गए हैं कि पोषण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि छोटे बच्चों का भविष्य हमारे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो इससे सकारात्मकता बरतते हुए और जो भी अधिकारी जो लोग ने काम नहीं किया है या मीटिंग नहीं करी, उन सब के लिए DMSA ने कड़ी कार्रवाई के लिए CDPO को बोला है और आशा करते हैं कि आगे हम लोग अपना अनुश्रवण और अच्छा करेंगे तो फिरोजाबाद की जनता जो है वो कुपोषित होने से बचेगी। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है? मुख्यतः जो CDPOs जिन्होंने सही डेटा नहीं दिया था और DPO ICDS को DMSA ने डायरेक्टली थोड़ा सा और अच्छा अपना अनुश्रवण सुधारने के लिए।